पुणे के एक विजय बौद्ध जी हैं, उनका मैसेज आया है कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो बना के सारे कार्यकर्ताओं को जानकारी दें। बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं कि जो अंबेडकरवादी और जो फूलेवादी या जो बुद्ध के जो कार्यकर्ता हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि 10,000 संगठन हैं और कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं। खासतौर से महामारी के समय में लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, उनकी कोई सुविधा, कोई कहने वाला उनकी बात को है नहीं। सारे संगठन लगभग मुंह छुपाए हुए रेत में शुतुरमुर्ग की तरह दबे पड़े हैं, और जैसे ही महामारी खत्म होगी ये फिर अपने अपने झंडे और डंडे लेकर फिर आ जाएंगे और फिर चंदा और फिर सेमिनार और फिर अधिवेशन लगाएंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे। अभी मुसीबत का समय है और अभी कोई नहीं आ रहा है। तो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, क्या कमी कार्यकर्ता की रह गई? विजय जी, कार्यकर्ता को एक गुण सबसे पहले होना चाहिए और वो है जागरूक। यानी कार्यकर्ता जागरूक होना चाहिए, 24 घंटे विजिल होना चाहिए, जागरूक, और वो कभी भी सोया हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही उसे सोना चाहिए, और वो मृत तो बिल्कुल ना हो, मरा हुआ तो बिल्कुल भी ना हो। जागरूक का जो मतलब है, वहां यहां पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो धम्मिक हैं, चाहे अंबेडकरवादी हैं, चाहे फूलेवादी हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो जो जिस संगठन में जा रहे हैं उस संगठन का सबसे पहले इतिहास जानें, फिर ये देखें कि इसने संगठन ने अब तक क्या किया और क्या प्लान बनाया है। उसका प्लान लिखित में होना चाहिए और लिखित में उसका संविधान होना चाहिए। संविधान जो संगठन को चलाता है उसमें क्या नियम है, उनको वो चेक करे कि क्या ये व्यक्तिवाद पर आधारित है, क्या ये एक व्यक्ति ने अपने आप को सबसे ऊपर रखने का इसमें कोई ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि उसको हटा नहीं सकते हैं, क्या ये गणतंत्र पर आधारित है, क्या इसमें बाकायदा निष्पक्ष रूप से सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, क्या ये जो संगठन है वंशवाद पे आधारित तो नहीं है, इसमें वंशावली तो नहीं चल रही है, पिता का पुत्र और फिर उसके बेटे या उसकी बेटी, फिर उसका बेटा और बेटी। सबसे पहले तो ये जानकारी लें, फिर ये देखें कि इसकी जो पॉलिसीज है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो कितने जानकार हैं और कितना काम उन्होंने प्राप्त कर लिया है और क्या टारगेट है, क्योंकि अगर समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होगा और उसकी प्राप्ति नहीं होगी परिणाम की, तो वो संगठन फेल माना जाएगा। कोई संगठन ये कहे कि हमने तो बहुत अचीव कर लिया, मगर समय के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में, समय के अगर हम कंपेरेटिव तुलना करें तो उसको कहाँ होना चाहिए था, क्योंकि कोई आदमी बहुत काम करे मगर आगे वाले से पिछड़ जाए, ये ठीक ऐसे जैसे दो साइकिल सवार साइकिल चलाएं और पीछे वाला कहे मैं तो साइकिल चला रहा हूँ और आगे वाले से वो हर एक मिनट में और 20 मीटर पीछे हो जाता है, हर एक मिनट में और 20 मीटर पीछे हो, तो उसका साइकिल चलाना फिर वाजिब नहीं है, वो साइकिल नहीं चला रहा है, वो तो हारने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जिससे आपको जीतना है वो तो बहुत आगे निकल गया और जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह गया, और हर साल वो पीछे होता जा रहा है, तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट और प्लान है वो जीरो है। फिर आपने ये देखना है कि ये जो विचारधारा है जिस पे ये बेस बना हुआ है, उस विचारधारा के और कितने लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग कितनी जगह काम चल रहा है, फिर उनमें आपस में साझेदारी कितनी है, और अगर साझेदारी है तो क्यों है, और संगठन इस बात को क्या कहता है कि साझेदारी क्यों नहीं है। क्योंकि ये ठीक ऐसी स्थिति है कि कार्यकर्ता कभी बोलता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता को लगता है कि जो नेता कर रहा है, जो संगठन कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और जो नेता और जो संगठन जो के लोग होते हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि कार्यकर्ता हमसे पूछ नहीं रहा है, इसलिए वो जो पूरी की पूरी संगठन की कार्यप्रणाली है उसको वो अपने घर की कार्यप्रणाली बना देते हैं। यानी संगठन की बजाय वो उनका घर का प्रॉपर्टी हो जाती है और उसको उसी तरह से करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता पैसा लाता है, तो कार्यकर्ता जब पैसा लेके आता है तो वो सबसे पहले संगठन में जो सीखता है उस बात को बताता है। तो यहाँ कार्यकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मुझे बताया गया है सबसे पहले तो उसको काउंटर क्वेश्चन करे, क्योंकि वो अपने बिहार पे फिर लोगों से जाके मिलेगा, उनको यकीन दिलाएगा, विश्वास दिलाएगा, तो उसको पहले यकीन होना चाहिए कि जिस संगठन में वो काम कर रहा है, जिसके नेतृत्व में काम कर रहा है, जिस पॉलिसी के तहत में काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और क्या वो ऑब्जेक्ट अचीव होगा नहीं होगा, क्या हम आगे तक पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये जो मैं और लोगों के पास जाऊंगा वो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो क्या मैं उनके सवाल को जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति तक कार्यकर्ता पहुँचता है, नेता नहीं पहुँचता है। नेता तो पल्ला झाड़ लेगा, हाथ को झाड़ के चला जाएगा, कार्यकर्ता फंस जाता है, कार्यकर्ता सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाता है,
फिर उनके रिश्तेदारों के पास जाता है, फिर उनके रिश्तेदारों के पास जाता है और अपने विश्वास से वहां से पैसा और समर्थन लेके आता है। जिसको संगठन का जो नेतृत्व करने वाला है वो इतना नहीं समझ सकता क्योंकि वो तो वहां जा नहीं रहा। इसलिए जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है कि वो अपने संगठन के नेता को बार बार पूछता रहे, झजोड़ता रहे। इसलिए कार्यकर्ता को हमेशा पूछने की आदत डालनी चाहिए और बेखौफ होकर डालनी चाहिए, बिना इस खौफ के कि संगठन का अगर नेता है तो वो नाराज हो जाएगा, तो मुझे अच्छी पोस्ट देगा या नहीं देगा, या मैं उसका करीबी रहूं। क्योंकि आप संगठन के नेता के लिए काम ना करें, संगठन के व्यक्ति के लिए काम ना करें, संगठन के उद्देश्य के लिए काम करें। और गलत को गलत कहना सीखें तुरंत और सही को सही कहना सीखें तुरंत, बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। अगर आप जरा भी हिचकेंगे, जरा भी घबराएंगे या जरा भी ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं जो है ठीक है, तो संगठन आपकी मेहनत खा जाएगा और संगठन पूरा खत्म हो जाएगा। एक नेता अगर किसी दूसरे नेता के संगठन को, सेम आइडियोलॉजी के संगठन को अगर गाली बकता है, या अगर वो घुर्राता है, या अगर वो ये कहता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, सामने वाले बेकार हैं, या उसमें तोड़फोड़ करता है, या उसके अलग संगठन बनाता है, या वहां से जाता है, या वहां से आता है, या किसी व्यक्ति को ऐसे को शामिल करता है जिसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है, या संगठनों के व्यक्ति को निकाल देता है जो अच्छा काम करने वाले हैं या बिना कारण के या बिना प्रोसीजर के, तो कार्यकर्ता को विजिल रहते हुए, जागरूक रहते हुए हर एक बात का प्रश्न करना चाहिए और हर बात को पूछना चाहिए और उसको वेरीफाई करना चाहिए दोनों से, यानी जिसके साथ में कोई घटना घटी है उससे भी, और जो घटना को घटित कर रहा है उससे भी पूछना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। कार्यकर्ता को हमेशा अपना हिसाब देना चाहिए कि उसने क्या काम किया और कितना पैसा इकट्ठा करके लाया। और कार्यकर्ता को संगठन से हमेशा पूछते रहना चाहिए कि जो पैसा मैंने दिया उसका आपने क्या किया, और जो व्यक्तियों का विश्वास लेके आया उनके विश्वास को कहां तक संगठन ने अभी तक पूरा किया है। हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए क्या संगठन सिर्फ ले ही ले रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। क्योंकि अगर संगठन ले ही ले रहा है तो इसका मतलब उसके जो नेता हैं वो आदि हो चुके हैं, उनका व्यापार हो चुका है, वो अपना घर चला रहे हैं, वो अपनी पोजिशन को होल्ड करके आपको कहीं बेच रहे हैं। क्योंकि संगठन जैसे ही लेता है वैसे देता भी है। जब आप उसे अपना विश्वास देते हैं तो संगठन आपको विश्वास देता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका विश्वास और उसका विश्वास एक सा है, कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया है, क्या कारण है। संगठन के कार्यकर्ता को हमेशा 24 घंटे पूरी दुनिया में निगाह रखनी चाहिए कि उसके संगठन की क्या पोजीशन है और क्या नहीं चल रही है, कितनी इज्जत है और कितनी वैल्यू है। क्योंकि अगर संगठन की वैल्यू खराब हो जाएगी तो वो अपने संगठन की वैल्यू को ही ठीक करता रहेगा, पूरे दिन एरिया में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे संगठन में आके ये बात कहनी चाहिए कि हमारे संगठन की अब वैल्यू नहीं है, पहले संगठन की वैल्यू को ठीक करना चाहिए। उसकी जो क्षमता है या उसकी जो जानकारी है, जो उसका प्रशंसा है, जो उसका मान सम्मान है, वो वापस आना चाहिए। ऐसे संगठन में नहीं काम करना चाहिए जो संगठन अपने समान समार्थी संगठनों के साथ में मिलके बैठ के उठ के बातचीत करके एक साथ काम ना कर सके। क्योंकि विचारधारा एक है, तो बाबा साहब ने यह कहा है कि संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब है अलग अलग संगठित नहीं होना है। अगर लोग सारे संगठित हैं तो लोगों जो के जो लीडर हैं उनको भी संगठित होना पड़ेगा। एक संगठन की हजार तरह के काम हो सकते हैं मगर संगठन एक ही रहे। कोई छात्रों का काम करेगा, कोई किसानों का करेगा, कोई मजदूरों का करेगा, कोई प्राइवेट वर्कर का करेगा, कोई सरकारी कर्मचारी का करेगा, कोई रेड़ी पटरी वाले का करेगा, कोई रिक्शा वाले का करेगा। ये हजारों तरह के जो लोग हैं, जो समाज है, इनको संगठित करने की हजारों ब्रांच हो सकती हैं मगर संगठन एक ही रहेगा। एक अलग अलग संगठन क्या करेंगे, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो वो कभी जिंदगी में उद्देश्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। उस संगठन का, उस नेता का, उस रणनीति का, उस विषय का तुरंत विरोध करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग संगठन बना के कार्यकर्ताओं की एनर्जी और कार्यकर्ताओं का पैसा जो अपने विश्वास पे लाते हैं, फिर कार्यकर्ता दोबारा से अपने रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि परिणाम तो आएगा नहीं। यही हुआ है 70 साल में। 70 साल में 10,000 संगठन बन गए, जैसे ठीक 6,743 जातियां बनी। जातियों में भी यही होता था कि जातियों में एक दूसरे की जाति में आना जाना बंद था, उसी जाति में रह के जीना है, उसी में मरना है, उसी में सारे काम करने हैं। यही संगठन 10,000 करते हैं। 10,000 संगठनों के लीडर ये काम करते हैं कि आप हमारे संगठन में रहो, दूसरे संगठन में नहीं जाओगे, यही आपने जीना है, यही मरना है, यही पैसा इकट्ठा करके लाओ, यही अधिवेशन होगा, यही कार्यक्रम होगा, सब कुछ यही है। वॉलंटियर भी यही करेंगे, किसानों का भी। 10,000 संगठनों है, 10,000 संगठनों के अलग अलग तरह के संगठन बनाए हुए हैं। जैसे संगठन सारा आपका पैसा ले लेते हैं, सारी मेहनत ले लेते हैं, वैसे ही 6,743 जातियों में भी जितने हमारे लोग हैं उनका सबका शोषण होता रहता है। वो अपनी मेहनत की कमाई इधर उधर चढ़ाते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं या बेगारी करते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है।
जैसे 6,743 जातियों के जो लाभार्थी जिनको इसका लाभ मिलता है वो हमको नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही ये 10,000 संगठनों के लोग भी हमको छोड़ने को तैयार नहीं है आसानी से, इसलिए हमको गुमराह करते रहते हैं। जैसे 6,743 जातियों से आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला और सब कुछ हमारा चला गया जितना भी आया हमारे पास में, ऐसे ही 10,000 जो संगठन है इनसे भी हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि जो बाबा साहब हमारा लेके आए थे, क्योंकि उधर 6,743 में जो हमें लेके आए थे वो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक ने हमें दिया था, और यहाँ जो अब की बात है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ लगभग सब कुछ जा चुका, और ये 10,000 के 10,000 संगठन एक बार भी इकट्ठे होकर खड़े नहीं हुए कि इस सबको बचाए। अगर ये खड़े भी हो जाते, इकट्ठे हो जाते, तो भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब का दिया हुआ लाभ हमसे चला जाता। इसलिए 6,743 जातियों में और 10,000 संगठनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की कार्य प्रणाली सेम है। जैसे 6,743 जातियों के जो आका हैं वो आपस में मिले हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ऐसे ही 10,000 के जो संगठन हैं उनके जो लीडर हैं ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं हमको शोषण करने के लिए, कार्यकर्ताओं का शोषण करने के लिए, क्योंकि ये कभी नहीं कहते कि सब इकट्ठे हो जाओ। ये हमको तो कहते रहते हैं इकट्ठे हो जाओ, मगर खुद नहीं इकट्ठे होते, एक दूसरे को गाली बक्के हमको अलग रखते हैं, संगठनों को अलग रखते हैं हम इनकी गाली में, और इनके तरह तरह के बहाने हैं। कोई कहता है मेरा सामाजिक संगठन है, बिना समाज के क्रांति नहीं हो सकती। कोई कहता है मेरा राजनीतिक संगठन है, बिना राजनीतिक के मेरी क्रांति नहीं हो सकती। कोई कहता है मेरा धार्मिक है, कोई कहता है मेरा आर्थिक है, कोई कहता है मेरा सरकारी कर्मचारियों का है, कोई कहता है मेरा प्राइवेट कर्मचारियों का है। ये सब बहाने बना के एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं ताकि कार्यकर्ता उसमें उलझा रहे और उन्हीं के साथ में लग जाए, खुद गाली उनको दे और गाली दे के हमेशा के लिए बुरा हो जाए। तो अगर कोई संगठन आपको अलग रखता है और एक दूसरे में नहीं जाता है, दुनिया भर की बातें करता है, तो वो झूठा संगठन है। कार्यकर्ताओं को उससे बचना चाहिए। कार्यकर्ताओं को एक शब्द में कह देना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहो, तो उनके लिए भी कहा है। कार्यकर्ता तो 2.5 अप्रैल को संगठित होकर सड़क पर आ गए, मगर नेता संगठित नहीं होके आए। आज की इस महामारी में भी नेता संगठित अगर हो जाते तो ये 40-50 करोड़ जो लोग आज की डेट में भूख से और परेशानी से मर रहे हैं, तप रहे हैं, इनकी आवाज उठ जाती तो इनको फायदा हो जाता, ये सारे बच जाते, इनका भला हो जाता। कार्यकर्ता को सबसे आखिर में मैं ये कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी का मतलब ये है कि अपने नेता को भापने में उसे आइडिया समझ होनी चाहिए कि नेता उसका कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। अगर उसके कहने में और कथनी में अंतर आ रहा है तो वो नेता सच्चा नहीं है। जो वो वायदे माइक से करता है, जो बंद कमरे में बताता है, वो उसके खुले वातावरण के अंदर भी वही बात सच होनी चाहिए। अगर दूरदर्शी कार्यकर्ता नहीं होगा तो उसका नेता उसे हमेशा मूर्ख बनाता रहेगा, और इसके लिए हमेशा कार्यकर्ता को दोधारी बंदूक रखनी चाहिए अपने पास में। दोधारी बंदूक इस तरह की होती है कि अगर सामने जो दुश्मन आता है उसे मारने के लिए तो वो सामने से वार करे, और पीछे अगर नेता उसको धोखा दे देता है तो एक नाल उसकी बंदूक की पीछे भी होनी चाहिए, वो पीछे अपने नेता को भी खत्म कर दे। खत्म करने का मतलब ये है कि वो उसका सपोर्ट छोड़ दे, वो उसको पैसा देना छोड़ दे, वो उसकी मीटिंग में जाना छोड़ दे, और वो उसकी मान्यता खत्म कर दे। अगर किसी व्यक्ति की, किसी नेता की मान्यता आप खत्म कर देते हो, पैसा देना बंद कर देते हो, उसकी मीटिंग में जाना बंद कर देते हो, उसका प्रचार बंद कर देते हो, तो नेता को समझो जैसे जड़ से साफ हो गया, खत्म हो गया, कभी था ही नहीं। इसलिए ऐसे नेताओं को जितना जल्दी हो सके उनको छोड़ के उनको खत्म कर देना चाहिए, और अच्छे जो लोग हैं कार्यकर्ताओं को अच्छे लोग ढूंढने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत इमरजेंसी और आपातकाल है, बाबा साहब का दिया हुआ सभी कुछ जा चुका है, इसलिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने नेताओं को सबको कहें कि या तो सीधे चलो और या फिर उनको गुड बाय और बाय बाय करने का समय आ गया है। धन्यवाद।